नहीं 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 ये फिल्म नहीं बनेगी पुष्पा जी सुनिए तो सुनिए तो डियर रिस्पेक्टेड पूजनीय सम्माननीय मैडम सर सादर प्रणाम सामने नहीं कह सकते इसलिए इस पत्र के माध्यम से अपनी भावना व्यक्त कर रहे हैं जैसे मेघ पवन की दिशा देख पछताता है जैसे केश चमन की चमक देख पछताता है वैसे ही हम भी अपने किए पर पछता रहे हैं नीर नियत चरणों में आपके निरंतर भा रहे हैं वाह आपके साथ जो किया बहुत दुख है उस बात का बहुत लज्जित है चेहरे से पता नहीं चलेगा क्योंकि हमारे चेहरे पर हमेशा एक ही भाव रहता है जैसे घर पर गैस खुली छोड़ आए हो पर है हम बहुत लज्जित हो सके तो हमें क्षमा कर दीजिएगा आपकी आज्ञाकारी प्राण प्यारी प्रेम दुलारी पुष्प क्यारी लज्जा की मारी करिश्मा सिंह कंट्रोल रूम का फोन भी बज रहा है संतोष संतोष दरवाजा तो खोलो संतोष दरवाजा अभी तो निकालो यहां से संतोष दरवाजा तो खोलो नहीं पूछने का जरूरत तो नहीं है क्योंकि राइटिंग का ओवरफ्लो बता रहा है कि डायलॉग का सुनामी कहां से आया है जैसे ओवर एक्टिंग का आपका सैलाब आता है वैसे आपने एक खत लिख दिया है पुष्पा जी नहीं लेकिन सवाल यह है कि आपने ये क्यों लिखा है तो अब क्या करें आप तो माफी मांगने से रहे मैडम सर से तो हम ही को कुछ करना पड़ेगा ना हम माफी मांगे मैडम सर से हम क्यों माफी मांगे काहे मांगे मतलब मैडम सर पर गन तानने से पहले तो कुछ सोचा नहीं और अब पूछ रही है हम काहे मांगे माफी अच्छा तो उन्होंने नहीं ताना गन उनका गलती नहीं है उन्होंने सोचा एक सेकेंड के लिए भी हमारे ऊपर गन तानने से पहले उनको नहीं मांगना चाहिए माफी माफी दोनों तरफ से मांगी जाए ना तो ही माफी कहलाती है हम अकेले माफी नहीं मांगेंगे जय हिंद मैडम सर जय हिंद पुष्पा जी माफी गलती की दी जाती है इंटेंशन की नहीं करिश्मा सिंह हम आज तक समझते थे कि आप जो कुछ भी करती हैं वो आपको जुनून है आप हैं ही ऐसी आपसे हो जाता है गुस्सेल हैं शॉर्ट टेम्पर्ड हैं इसलिए हम आपकी छोटी छोटी गलतियों को नज़रअंदाज कर देते थे माफ कर देते थे हमें लगता था कि हमारी सोच भले ही अलग हो तौर तरीके भले ही अलग हो लेकिन एज अ टीम हम कमाल के हैं पर अब हमें ऐसा नहीं लगता अब नहीं लगता हमें कि हम दोबारा कभी टीम बन सकते हैं इसलिए माफी तो बहुत दूर की बात है पुष्पा जी ये मामला उससे कई गुना ज्यादा आगे बढ़ चुका है जैन मैडम सर हेडक्वार्टर से मैसेज आया है आनंदपुरी एरिया में एक आदमी ने कुछ बच्चों को होस्टेज बना लिया है फौरन वहां पहुंचने का ऑर्डर आया है ओके एक काम करो तुम कहां जा रही हैं अभी आपने ही तो कहा कि हमारा एक टीम में काम करना ठीक नहीं होगा तो फिर आप अपने तरीका से निपटाइए हम अपने तरीका से केस निपटाएंगे आपको सीधा स्पॉट में मिलेंगे चल संतू हाँ चलो चीता कहाँ है वो उसके गांव से फोन आया था उसके पिताजी की तबीयत अचानक खराब हो गई तो उसे जाना पड़ा अच्छा ठीक है आप यहाँ थाना संभालिए अगर हमें किसी भी चीज की अर्जेंटली जरूरत हुई तो हम आपको बताएंगे यस मैडम सर जैसे कि आप देख रहे हैं ये वही घर है जहाँ पर मासूम बच्चों को बंदी बनाया हुआ है और इसके लिए किडनैपर को कोई ज्यादा प्लानिंग और मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी अपने बेटे की बर्थडे पार्टी पर बच्चों को बुलाया और उनको बंदी बना लिया नाम बूंदी सिंह बताया जा रहा है अभी अभी जेल से पेरोल पर आया है और आते ही ये कारनामा कर दिया उसने
इस किडनैपिंग के पीछे बूंदी सिंह का क्या मकसद है? क्यों उसने इतने सारे बच्चों को होस्टेज बनाया है? वह क्या चाहता है? उसकी क्या डिमांड है? इन सभी बातों की अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन यह जरूर है कि इस मामले में 12 मासूम बच्चों की जान दांव पर लगी है। कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मामला बेहद गंभीर है। ऐसे में पुलिस प्रशासन को चाहिए कि वह इस मामले में बेहद होशियारी और सतर्कता से काम ले। जैसे कि आप देख सकते हैं कि पुलिस विभाग के कुछ अधिकारी यहां पहुंच चुके हैं और कार्यवाही शुरू हो चुकी है। अद्भुत, अविस्मरणीय, अतुल्य, वाह, मजा आ गया। प्रभु, स्वर्ग जैसा मजा आ रहा था। आपने गोलगप्पे खिलाने के बंद कर दिए, मानो स्वर्ग का द्वार ही बंद हो गया। हो गया साहब। क्या हो गया? अरे 10 गोलगप्पे हमने आपको खिला दिया और एक प्लेट में 10 ही गोलगप्पा आता है। पता है श्रीमान, बचपन से हमें दो चीजें सिखाई गई थी कि क्रिकेट की टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं और गोलगप्पे के पत्ते के प्लेट में 10 गोलगप्पे होते हैं, लेकिन आपने केवल हमें 9 गोलगप्पे ही खिलाए हैं। एक शेष है, खिलाएंगे? हो ही नहीं सकता। सुबह शाम तक में कम से कम हम हजारों लोगों को पानी पूरी खिलाते हैं। 10 मतलब 10, न एक कम न एक ज्यादा। पर भूल तो मनुष्य की प्रवृत्ति है ना मेरे भाई, कभी भी किसी से भी हो सकती है। नहीं नहीं, हमसे नहीं होती है भूल। क्या बात कर रहे हैं, क्यों भाई? आपको ऐसा क्या है जो आप नहीं भूल सकते? अगर ऐसे भूलने लगे तो हो गया हमारा धंधा। अपने अपना ये दूरभाष यंत्र रस्सी से क्यों बांधा हुआ है? सुभाष, सुभाष जी तो क्वारंटीन में है, मैं मोबाइल की बात कर रहा हूँ। आपने अपना मोबाइल रस्सी से क्यों बांधा हुआ है? अरे वो तो ऐसा हुआ कि हमारा दूठो मोबाइल गायब हो गया है। इतना भीड़ रहता है, कहाँ रखे कहाँ ना रखे, इसीलिए हमने घंटी बना के टांग लिया। अच्छा, ये सही किया इन्होंने। वैसे एक बात बताएं मित्र। जी बोलिए। आप गोलगप्पे बनाते हैं बड़े ही स्वादिष्ट। होता है। मन जो है ना प्रसन्न हो जाता है। पर क्षमा कीजिए महाराज, आपको नहीं लगता कि नमक थोड़ा कम था? कम था? अरे नमक तो हम डालना ही भूल गए थे, वो तो हमको बाद में पता चला तब डाला। अच्छा श्रीमान, एक बात बताओ। जी बोलिए। तुम कंघी करना भूल सकते हो, घर से कंघी लाना भूल सकते हो, मोबाइल रख कर भूल सकते हो, नमक डालना भूल सकते हो, तो क्या गिनती में एक गोल गप्पा नहीं भूल सकते? भूल तो सकता हूँ। सकता हो नहीं महाराज, भूल रहे हैं। आपने हमें केवल 9 गोलगप्पे खिलाए, एक शेष है। अब खिलाएंगे? क्यों नहीं खिलाएंगे सर। वैसे मित्र, बात यह है कि आपकी गिनती बिल्कुल सही थी, आपने हमें पूरे 10 गोलगप्पे ही खिलाए थे। हम तो बस यूं ही आपके साथ अटखेली कर रहे थे। ले लीजिए। मतलब क्या करामाती आदमी हो, एक सेकंड में हमारा ही सच हिला दिया। सच आसमान के बादल जैसा होता है मेरे भाई, सब नजर का माया चल रहे हैं। चलते हैं जनाब, एक हमारी तरफ आते रहिएगा। आदमी बड़े कमाल के लग रहे हो। अरे वाह, क्या बात है। अभी तो आना जाना होता ही रहेगा, हम आपके ही शहर में तो हैं, लखनऊ। चलते हैं। Thank you.
माफ कीजिए, हम जरा जल्दी में हैं इसलिए देखा नहीं। आई एम सॉरी मैडम। कोई बात नहीं, हम समझ सकते हैं। शहर में इतना बड़ा अपराध हो रहा और शहर की सबसे योग्य अधिकारी महिला थाना प्रभारी हसीना मलिक जल्दी में ना हो, ये कैसे हो सकता है? आप हमें जानते हैं? आधे से अधिक जानकारी तो आपकी इस वर्दी पर टंगे नेम प्लेट पर अंकित है। बाकी तो जैसे सभी लोग आपके बारे में जानते हैं वैसे हम भी जानते हैं। क्षमा कीजिए मैडम जी, बुरा मत मानिए, लेकिन आपको नहीं लगता कि फिलहाल आपको उस घटनास्थल पर होना चाहिए जहां उस अपराधी ने बच्चों को बंदी बनाए रखा है? हम भी कब से वहीं पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लेकिन एक मिनट, आपको इस घटना के बारे में कैसे पता? अरे कैसी बातें कर रही है मैडम जी, पूरे शहर में इस घटना की चर्चा हो रही है, स्थानीय न्यूज चैनल पर सीधा प्रसारण हो रहा है, लेकिन आपको अभी तक वहां पहुंच? अच्छा, तो सरकारी रत्न ने आपके साथ विश्वासघात किया है। कोई बात, हम आपको वहां पहुंचा देंगे। सच में? वाओ, ये तो बहुत अच्छी खबर है। हम कब से लिफ्ट का इंतजार कर रहे हैं। चलिए जल्दी चलिए, कहां है आपकी गाड़ी? गाड़ी? कौन सी गाड़ी? आपकी गाड़ी जिसमें आप हमें लिफ्ट देंगे? हमारे पास कोई गाड़ी नहीं है मैडम जी। आप मजाक कर रहे हैं? आप जानते हैं कि वर्दी में एक पुलिस ऑफिसर के साथ मजाक करने का अंजाम क्या हो सकता है? मैडम, इस गिरे हुए सूखे गोलगप्पे की सौगंध, हम सत्य कह रहे हैं, हमारे पास कोई गाड़ी नहीं है। तो फिर कहा ही क्यों कि आप हमें लिफ्ट देने वाले हैं? हाँ, हमने कहा था लिफ्ट देंगे। कैसे? कंधे पर बिठा के? अरे कैसी बातें कर रही है मैडम जी, हमारे कंधे इतने मजबूत कहाँ। अब मैडम रुकिए, एक मिनट, हम अभी आते हैं। कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है? मैडम जी, हमको लग रहा है कि दूल्हे से घोड़ी मांग रहा है। क्या भैया, आपको मजाक सुझ रहा है? इस वक्त शादी के दिन कोई दूल्हा अपनी घोड़ी देगा क्या? अरे नहीं मैडम जी, हो सकता है, बड़ा चक्री आदमी है, कुछ भी कर सकता है। भैया ऐसा नहीं होता। अरे ऐसा हो गया, देख। क्या कहा? वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आपका कहीं और पहुंचना बहुत जरूरी है।